सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और हम अपनी फेवरेट लोकेशन पे आए हुए हैं। अपने पीछे लेक आ रही है, बढ़िया व्यू। शुभम भाई खड़े हैं पीछे, शुभम भाई खड़े हैं तो मतलब GT से रिलेटेड वीडियो होने वाली है आज की हमारी। तो हमारी GT में बहुत सारे नए नए अपडेट्स हुए हैं, सो आपको दिखाए जाएंगे अभी। तो ये हमारे शुभम भाई हैं, द एक्सट्रोवर्ट। हाय गाइस, बहुत काले दिख रहे हो, इधर से सही दिखोगे। अनदर व्लॉग भाई, बाइक के अंदर बहुत सारा चेंज हुआ है। एक बार को ओवरव्यू दे दो फिजिकल, फिर बताएंगे क्या क्या हुआ है चेंज, ठीक है? समझ लो अभी क्या क्या दिख रहा है। कुछ नया दिख रहा हो तो बता दे। दिख गया, चलो ठीक है। अब बताओ भाई साहब, क्या क्या खर्चा कर दिया इसके ऊपर आपने? भाई काफ़ी खर्चा हो गया है। और अभी सबसे बेसिक मोड से स्टार्ट करते हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। वो है सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर स्टैंड यहाँ का। अरे सेंटर स्टैंड आता नहीं है इसके अंदर? हाँ, सेंटर स्टैंड ही अलग वो लगवाया गया भाई साहब। आरी से लगाया, कहाँ से लगाया? आरी का ही है, आरी से लिया है, मतलब लगाया बाहर से। और इसका स्प्रिंग नहीं मिलता, स्प्रिंग अभी रिसेंटली मिला है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? सेंटर स्टैंड लो तो उसके साथ ज़्यादा स्प्रिंग नहीं देते हैं, तो सेंटर स्टैंड आपका ऐसे नीचे लटका रहेगा। उसमें कुछ जुगाड़ करो, बांध लो उसको, या दूसरा जुगाड़ होता है। GT में आता है, इंटरसेप्टर में आता है? इंटरसेप्टर में आता है। ओके, तो उसका जुगाड़ लगवाया गया पूरा? मतलब इंटरसेप्टर वाले ही लगा दिया। अभी स्प्रिंग अभी रिसेंटली मिला, स्प्रिंग था नहीं मेरे पास पहले। ओके, तो कितना लगवाया स्टैंड? ये स्टैंड था यार, 3,500 का था जब मैंने पहले लिया था, काफ़ी पहले लिया, 1.5-2 साल हो गया। स्प्रिंग अभी 100 रुपये की लगी है। वो तो ठीक है। फिर मेन सबसे बड़ा तो दिख ही रहा है, गुड़सेवर लग गया है, स्टेनलेस स्टील विद डीवी किलर। क्या मॉडल नाम क्या है इसका? विदाउट डीवी किलर। हां, क्या मॉडल का नेम क्या है ये यार? बिग शॉट है, बिग शॉट। अभी तो डीवी किलर निकाल रखे हैं, बट हां मतलब डीवी किलर का ऑप्शन आता है इसके अंदर, जब पुलिस हो तो लगा लो। नहीं वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके साउंड सुनेंगे बाद में। ये है जाना, लग गए हैं पूरे जाना के सैडल स्टे, आई थिंक पीछे आगे दोनों लग गए हैं। तो ये 3,500 कुछ का था, 3,300-3,500 रुपये। कस्टम GT मेड, GT के लिए होता है ना? हाँ, ये GT के लिए है। इंटरसेप्टर में भी लग सकता है। और इसमें कैन आप जेरी कैन भी कैरी कैपेसिटी है कुछ है? कैसे क्या? कुछ भी कैरी कैपेसिटी है कुछ इसकी? हाँ उसमें तो जेरी कैन लगा सकते, कोई चक्कर ऐसा नहीं है। मतलब इसकी कोई कैपेसिटी वगैरह तो नहीं बताया ना उसने, कितना वेट है कितना नहीं? चलो फिर ठीक है, वो तो जितना आपको सैडल बैग झेल सके। आई थिंक 72 लीटर आराम से चला रहेगा बड़े प्यार। चलो ट्राई करेंगे, अभी ट्रिप पे जाएंगे तो ट्राई करेंगे कितना वेट आ रहा है। और बाकी ये जाना का लेग गार्ड तो दिख ही रहा है, एंड इसका मल्टी यूज भी निकाल लिया भाई ने। एक क्या यूज निकाला है भाई? तो GT का क्रूजर बना दिया है, GT का क्रूजर बना दिया भाई ने। क्योंकि ये क्रूजर भी बन सकता है, सेटिंग भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इस पे। तो ये सही है इसका। ये कितना का टोटल? 3,500 का ना? ये 3,500 का। और क्या हुआ था उसके बाद हमारा? उसके बाद इस पे तो वीडियो आप अलग से बना ही चुके हो, ये वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है इस पे, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं भाई। केसिंग लग गई है तीनों पे, तो ये मुझे अलग से लेना पड़ा। टोपी लग गई है सबकी एक एक, ठीक है? वो बहुत सही रहती क्योंकि इसमें फॉगिंग हो जाती है और कभी कभी लगता पानी। ये नया दिख रहा होगा इसमें तुम्हें, ये अलग से कस्टम मेड है। इसका बताते हैं क्या स्टोरी है। और तो कुछ चेंज नहीं होना इसके अंदर? और देख रहा हूँ मैंने क्या क्या चेंज किया है। नाइट आई का वो लग गया, LED नाइट आई लगी हुई है। बाइक की लाइट बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब बढ़िया आती है, रात के टाइम में जरूरत नहीं होती फॉग लैंप्स की। एंड एक कुछ हुआ था ना आगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर वो वाला चेंज है। डिफरेंस देखो, बताना क्या है खुद, हम नहीं बता रहे। कुछ समय में आया तो बताना। और ये चेंज है बाइक के, जो मैं मतलब लास्ट टाइम भी बता दिया था कि जो सस्पेंशन है उसका हाइट कम किया गया है, तो ये वेट टू स्पीड के अलॉय कस्टम बिल्ड है, एल्युमिनियम अलॉय से बने हुए हैं। ओके, सस्पेंशन का हाइट कम है तो बाइक की हाइट कम हो जाती है इससे टोटल। बाकी चेंज तो काफ़ी कुछ है, मास्टर सिलेंडर का कैप टूट गया था वो चेंज हुआ है। अच्छा, वो तो चलो वैसे नॉर्मली GT में जो मॉडिफाई कर सकते हैं उसके मैं पूछ रहा हूँ। और क्या क्या है जो हम GT मॉडिफाई कर सकते हैं? और सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो इस पे ही बात कर सकते हैं, ये वाला है भाई। ये नॉर्मली जो ट्रैवलिंग करते हैं, क्रूजिंग करते हैं, लंबे राइड पे आते हैं, उनका प्रॉब्लम आती है स्पीकर लगाने की या फिर मोबाइल ऑटो लगाने की, क्योंकि तो इसमें कहीं जगह आती नहीं आती है, क्लिप ऑन सा कोई जगह नहीं होती है। तो भाई ने ये जुगाड़ बनवाया है एक, सो इसको हमने यहाँ से निकाला है। एंड ये पूरी एक्सटेंशन गई है एक, यहाँ पर ये सॉलिड रोड है, बढ़िया हैंडल ही ला देती भाई। हाँ, हैवी रोड है ये। और इसके ऊपर भाई कितने लगा लो तुम अमाउंट? जितनी चाहे अभी भी जगह है कि 1-2 और लग जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम लगा हुआ है, नहीं ये इंस्टाग्राम लगा हुआ है, बट स्पीकर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंस्टा लग जाता है, यहाँ स्पीकर लग जाता है, यहाँ पे स्पीकर चाहे तुम बड़ा लगा लो, जितना मतलब तुम्हारा जैसा है डाल दो उसके ऊपर चाहे, और जो भी मतलब तुम्हारा जुगाड़ हो वो कर सकते हो। और मोबाइल होल्डर है अपना। बाकी ये ग्रिप्स अलग से लगी है, कोई बहुत महंगी नहीं, बट हाँ ये ग्रिप्स अच्छी है काफ़ी, क्योंकि इसकी बहुत पतली पतली ग्रिप रहती है, पकड़ने में सही नहीं। तो नॉर्मल से बात है, कंपनी वाले तो आती हैं ऐसे लोकल सी। और इसकी इसमें फिट भी नहीं होती ना, ग्रिप्स दिक्कत ये है सबसे बड़ी। हाँ वो भी होता है, बाकी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है कभी, तो ये चलता रहता थोड़ा बहुत। हाँ तो गुड़सेवक कितने का पड़ा आपका? गुड़सेवक है भाई 22,000 का पड़ा है। 22,000 गुड़सेवक करोलबाग से, उस टाइम पे प्लान था रिकॉर्डिंग बट रिकॉर्ड कर नहीं पाए। और हम लोग तो गए थे गुरसेवक शॉर्ट कैंस लेने, जो ब्लैक वाले आते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो छोटे और हल्के पड़ते हैं, तो बाइक का वेट भी कम होता है, प्लस टकराने वकराने का डर नहीं रहता। जैसे
गुरसेवक में देखो यहाँ पे हल्का सा येलो येलो दिख रहा है, वाइट दिख रहा है ना, स्क्रैच आ गया कहीं लगी होगी साइड में। स्क्रैच क्या है ये चक्कर क्या, पेंट छूट के लग गया एक कार का। अच्छा, एक ने कार टच कर दी थी तो उसका पेंट छूट गया, इसमें चपक गया है। हाँ मतलब थोड़ा नॉर्मल जो स्टॉक आता है उस साइज का ही है, स्टॉक का भी सेम साइज है, साइज सेम है, सेम सेम है, दोनों का सेम साइज है। आवाज इसकी अच्छी है और आवाज ही सुनाएंगे टेंशन मत लो। तो ये ऐसा कुछ लुक आ रहा है पीछे से बाइक का, तो जो चौड़ाई है वो तो सेम ही है, पहले भी ऐसी थी आगे अब भी ऐसी है। एनडीए लग गए अपने सैडल बैग्स के, सैडल स्टे और तो कुछ है नहीं, अपना नॉर्मल सिंपल है। एंड ये तीन चार बड़ी बड़ी मॉडिफिकेशन, मेन तो ये है इसमें लग रहा है सिंपल सा, मुझे दिमाग पीछे लगता है ना भाई साहब, बहुत गंदा दिमाग लगता है इसमें कि ये जुगाड़ करना है, ये जुगाड़ करना है, ये जुगाड़ करना है। और कोई एक ही अपना ये लगवाया भाई ने नया, ये छोटा सा मॉडल है, छोटा सा है मतलब, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारी चीजें, फिर दिखाने बैठे तो खत्म कर जाओगे तुम लोग। तो और कोई है जो जीटी में रिकमेंड करना चाहोगे आप मोड? भाई सबसे ज्यादा रिकमेंडेड मोड तो मेरे हिसाब से यही है। हां मतलब इसमें जरूरत, हां ये चीज जीटी और इंटरसेप्टर छोड़ो किसी भी बाइक में तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास क्लिप ऑन या अगर मान लो जैसे इसमें भी है, मतलब थोड़ा सा स्पेस है और तुम्हें चार पांच चीजें लगानी, जगह नहीं बन रही है तो साइड में कहीं भी बोल्ट वोल्ट दिया वहां से तुम कुछ बस ऐसे दो पत्ती लगवा के सिर्फ इसका मतलब पूरा ये पूरा सॉकर के ऊपर लगा तो फियरिंग सॉलिड है ना, उस पे लगा है ना, क्या कहते हैं फ्रंट वाइजर, पूरा सॉकर के ऊपर ही आ रहा है तो सॉलिड है पूरा ये। तो मतलब ये है भाई मेन बात अपना, तुम लगवा सकते हो रोड के ऊपर, तुम कुछ भी करो, वो मतलब तुम्हारा बाइक का कैसा वैसा जुगाड़ बैठ जाएगा, करना है कुछ भी करना है तो ये काफी सही मॉडल रहता है, सबसे तगड़ा। तो भाई ने बहुत सारा खर्चा कर लिया, भाई ने इंस्टा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, दबा के रील्स आ रही है, एक झलक दिखा देना गोप्रो की बात उसके इंस्टा की बाद में, क्या इंस्टा की झलक दिखा देंगे कैसा दिखता है, ये दिखता है बस वैसे की वीडियोस हमने ऑलरेडी भाई के चैनल पर पड़ी हुई है, एंड मेरी टैगिंग देखो किस टाइम पर तो उसमें मिल जाएंगी। बस अगला वीडियो रमन भाई का देखोगे उसमें रील ही रील तुम्हें दिखेंगी, देखते हैं दो तीन शूट तो किया सामने, शॉर्ट शूट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वैसे ना रही है आराम से यही है भाई 4x4 तो यही है रियल, इनके इनके शॉर्ट्स ले लो। चलो तुम्हें गुड सेवक का साउंड सुना देता एक बार, न्यूट्रल है ना, हां हां तो स्टार्ट, अभी डीबी के लिए हटा हुआ है इसका, डीबी के लिए लेके भी नहीं आए हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूं, तू पीछे चले तो आवाज सही से आएगी, जस्टिफाई कर पाऊंगा, हम डीबी के लिए लेके भी नहीं आए हैं, सभी ऐसे सुन लो विदाउट डीबी के लिए, इसका जो बेस आता है बेस का मेन फील है, बेस आइडल साउंड है, ये आइडल साउंड है बिल्कुल, इसका भी आर्मी के अराउंड चल रही है, और मेन बस एक ही इसका जो बेस है ना, बेस पे तुमने पसंद किया है क्यों, और भी बहुत सारे थे बट वो लाउड बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर वो इरिटेट करते हैं, मतलब लाउडनेस है इसके अंदर ही बट बेस अच्छा है, बेस अच्छा है, ऐसा नहीं करता कार में दर्द नहीं करती है, करती है लॉन्ग राइड, ऐसे मतलब लॉन्ग ही से अगर ज्यादा लंबा जा रहे हो 400-500 किलोमीटर तो लौट के आओगे तो मतलब कान बजने लग जाएंगे, इतना इसका ठीक ठाक साउंड है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है। हाँ, तो और कुछ ये भी है कि भाई हम लोग इतना हैबिचुअल नहीं है ना इतना साउंड सुनने के, और बैरा होने का शौक भी नहीं भाई है, भाई को नया नया शौक चढ़ा है जब फ्लाईओवर्स के नीचे जाता है तो भाई रैप करना सीख गया अभी धीरे धीरे, तो अभी अभी क्या है कि कहीं भी जाऊँगा तो मतलब मैं एक ट्रिप मार आया हूँ बिना डीबी किलर के, तो उससे ये सीख मिली है कि अगली बार से डीबी किलर डाल के जाऊँगा। और एक और बात याद आ रही थी कि भाई वो ये था कि बाइक का एक जोश के बाद माइलेज में फ़र्क पड़ा है, सो क्या फ़र्क पड़ा भाई बताएंगे? भाई मेरे साथ केसी अलग हो गया, अब ये कह लो कि हो सकता है मैं प्यार से चला रहा हूँ, बट जब से मैंने एक स्टॉक हटाए हैं तो ऑब्वियसली कुछ किलोज मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत किलोज का डिफरेंस आता है, वेट रिडक्शन होता है, और थोड़ा सा प्यार से भी चलाया, तो मैं जब मसूरी से आया तो रिटर्न में चूँकि भाई हाईवे भी था रोड भी अच्छा था प्यार से चला रहे थे तो अराउंड 34 का माइलेज इसने निकाला है, तो पहले कितना निकल रहा था स्टॉक में? पहले यार मतलब देखो लॉन्ग ट्रिप तो हम लोगों ने की नहीं थी, लोकल में ही चलाते थे, तो लोकल में भाई वो 22-24 बहुत अच्छा चला दिया, तो 26 इससे ऊपर गया ही नहीं है, और इसके साथ ये सिटी में मेरे को 24 प्लस तो बड़े प्यार से दे रही है, नॉर्मली अगर जैसे अभी आया है तो 28 का निकाल देगी, 28 कुछ पावर फील हो रहा है डिफरेंस को हल्का सा, पावर माइनर बहुत माइनर सा डिफरेंस, ऊपर हल्का सा बहुत माइनर सा, तो ये बात है मेन अपना कि थोड़ा बहुत पावर में डिफरेंस आ रहा है बाइक के अंदर, और माइलेज बाइक का अच्छा हो गया, बाइक क्या होती है अब लो आरपीएम पे अच्छी चल रही है, स्टॉक में मतलब नॉर्मल से बात है तुम चेंज कराओगे तो स्टॉक को अपने घर रख लेना, कभी भी तोड़ना पड़ सकता है इनको, उनको लगवा लो, स्टॉक की कीमत ज़्यादा है ना, स्टॉक वाले 35,000 का एक एग्जॉस्ट है सिर्फ,
और ये 22 के दोनों हैं, तो देख लो प्राइसिंग डिफरेंस कितना है। एंड पता नहीं अंदर क्या साइंस है, बट भाई को माइलेज अच्छा मिल रहा है, अच्छी बात है, और क्या चाहिए, है ना। सो इतना ही था इस बाइक के लिए। कुछ कमेंट हो भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इंस्टाग्राम में डाल देंगे अपना, जो अच्छा लगे जो कमेंट करना हो करो भाई को, और इंस्टा के शॉर्ट्स लाइक कर देना पक्के बाद।